भारत में जब भी किसी हिंदू घर में शादी होती है तो बहू के आने पर सुहागलों की पूजा की जाती है, और जब पहली बार बेटी ससुराल से मायके आती है तब मायके में सुहागलों की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हर मुश्किल को आसान करने वाली ओसान माता, बड़े संकटों का निवारण करने वाली संकटा माता, कुदशा को सुदशा में बदलने वाली माता की पूजा होती है। ये सभी देवी लक्ष्मी का रूप हैं जो विभिन्न नामों से पूजी जाती हैं। तो चलिए बताते हैं कि सुहागलों की पूजा किस प्रकार की जाती है। सुहागलों की पूजा करने के लिए पटे पर एक लाल कपड़ा बिछाया जाता है तथा उस पर 7 छुई मिट्टी की डली रखते हैं तथा गौर गणेश रखते हैं। जिनके पास गौर गणेश ना हो तो वे सुपाड़ी या हल्दी की बना सकते हैं। हमारे पास गौर गणेश नहीं थे तो हमने हल्दी की बना ली। तथा पान के पत्ते पर चंदन के द्वारा माता जी की मूर्ति बनाई जाती है। उसको पटा पर स्थापित करते हैं तथा माता जी को स्थापित करने के बाद हल्दी लगाकर महावर लगाते हैं। उसके बाद सारी सुहागने महावर लगाती हैं। जब सभी महिलाएं महावर लगा लेती हैं तब पूजा शुरू होती है। पूजन शुरू करने के लिए ओसान बीबी माता को सारा श्रृंगार प्रसाद चढ़ाते हैं, गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है, चूड़ी बिंदी महावर सब कुछ चढ़ाया जाता है। सबसे पहले ओली डाली जाती है। जो भी महिला सबसे पहले आती है उसको प्रथम ओली दी जाती है तथा एक एक करके बाकी की महिलाओं को ओली दी जाती है। ओली में सबसे पहले गुड़ चने का प्रसाद खाया जाता है तथा ये प्रसाद मौन ग्रहण करते हैं। जब तक प्रसाद हम खाते हैं तब तक एक शब्द भी नहीं बोलते, और कहानी सुनने के बाद 10 या 5 मिनट का मौन हमें रखना पड़ता है जब तक प्रसाद पूरा ग्रहण नहीं कर लेते। उसके साथ 1.25 पाव की मिठाई भी रहती है। ओली देने के बाद कहानी बोली जाती है। एक राजा साहब थे, एक राजा साहब थे, मेरे अपनी लड़की की शादी की। शादी की तो लेता दान दहेज दिया बहुत, हाथी घोड़ा सोना चांदी सब। फिर खूंटा देना भूल गए। जब शादी हो गई तो बारात की बेदा की, बेदा की तो मैं अपने नौकर चाके साथ में भेजे कि मतलब कहीं कोई कमी ना हो तो देख लिया। तो जब वो भेजने गए तो बीच में हम लोग बोले कि बीच में आराम कर ले, दूर की बारात थी। फिर मैया की जय, ओसान जी की माता की जय। आरती के बाद
सात चने छील कर माता जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है और उस प्रसाद को सभी महिलाएं फिर ग्रहण करती हैं और अंत में सुहाग लेती हैं। सभी महिलाएं एक एक करके सुहाग लेती हैं और सुहाग लेने के बाद माता जी की हम विदाई करते हैं। जय ओसान बीबी माता की जय। सभी महिलाओं के लिए चूड़ी बिंदी महावर मेहंदी रखी हुई रहती है पटे पे, जो कि एक एक करके सब लेती जाती हैं, तथा पान इसमें अनिवार्य रहता है। खाने के बाद पान खाना ही बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए सभी महिलाएं सिंदूर ले रही हैं माता जी का। अरे सुहागन माता।